ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಟೀಚರ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मैं मोहम्मद मोइनुद्दीन माविन मौलिम सरकारी उर्दू हाई स्कूल ताल्लुका मानवी ज़िला रायचूर। आज के इस संवेदा ई क्लास में मैं आपका दिली खैर मकदम करता हूँ। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, पिछली क्लास में हमने सबक महाबलेश्वर पढ़ा था, उसी का दूसरा हिस्सा यानी हिस्सा द्वम लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि पिछली क्लास में महाबलेश्वर के काबिलदीद मुकामात और सैर व तफरी के जो मुकामात थे उसको हमने भरपूर जायज़ा लिया और दीगर मुकामात का जायज़ा लेते हुए अपने अपने तौर पर उसको देखने की कोशिश की, तो उसका दूसरा हिस्सा लेकर मैं यहाँ पर आपके सामने हाजिर हूँ। तो आइए दूसरे हिस्से में क्या क्या तफसीलात हैं इंशाल्लाह हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दूसरे हिस्से में मुरक्कबात रहेंगे, अल्फाज माने रहेंगे, कहावतें मुहावरे भी रहेंगे और इसके साथ साथ कुछ कवायद भी यहाँ पर रहेंगे। तो सबसे पहले इस सबक से मुतालिक मुरक्कबात जो अल्फाज हैं, सबसे पहले मुरक्कबात में पहला लफ्ज़ है फरहत बख्श, सुकून देने वाला, सैर व तफरी, घूमना फिरना, नज़्म व नस्क, इंतज़ाम या बंदोबस्त, तज़क व एहतिशाम, शान व शौकत, मुहिम जोई, खतरनाक काम अंजाम देना, उसके बाद देखभाल निगरानी करना, चहलकदमी टहलना, खियामगा ठहरने की जगह या फिर रहने की जगह, आबदार चमकदार या फिर रोशन, पुरकशिश पसंद आने वाला, दिल मोह लेने वाला या फिर अपनी तरफ खींचने वाला या फिर जाजिब नज़र भी कहा जा सकता है, जंगबाज लड़ाई का माहिर। अब उसके बाद आएगी सरगर्मी बच्चों एक जुमले में सवाल के जवाब देने की। सबसे पहला सवाल, महाबलेश्वर किस जुबान का लफ्ज़ है? महाबलेश्वर संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है। दूसरा सवाल, महाबलेश्वर के क्या माने हैं? जवाब, महाबलेश्वर के माने कुव्वत वाला खुदा के हैं। तीसरा सवाल, अफजल खां कहाँ का हुक्मरान था, यानि वो कहाँ पर हुकूमत करता था? जवाब इसका कुछ इस तरह से है, अफजल खां बेजापुर का हुक्मरान या बादशाह था। चौथा सवाल, मेलको पहाड़ी कब तामीर हुई? जवाब कुछ इस तरह से है, मेलको पहाड़ी 1829 ईस्वी में कायम हुई। पांचवा सवाल, महाबलेश्वर में चर्च की देखभाल कौन कर रहा है? जवाब, महाबलेश्वर में चर्च की देखभाल हिंदू खानदान कर रहा है। छठा सवाल, महाबलेश्वर कहाँ पर वाक़े है? जवाब, महाबलेश्वर सूबाए महाराष्ट्र के मगरबी घाट में वाक़े है। तो बच्चों ये था एक जुमले में सवालात के जवाब देने की सरगर्मी। अब आइए हम
नज़र डालते हैं दो या तीन जुमलों में जवाब देने की सरगर्मी। इसमें सबसे पहला सवाल रहेगा, महाबलेश्वर कितने किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। सवाल कुछ इस तरह है कि महाबलेश्वर का आतराफ का जो इलाका है वो कितने किलोमीटर पर फैला हुआ है। तो इसका जवाब इस तरह है, महाबलेश्वर तकरीबन 10 किलोमीटर के अहाते पर फैला हुआ है। दूसरा सवाल, महाबलेश्वर के आतराफ के तफरीही मुकामात कौन कौन से हैं। तो सवाल कुछ इस तरह है कि महाबलेश्वर के आतराफ व अकनाफ के जो इलाके हैं वो तफरीही जो मुकामात हैं उसका जवाब देना है। जवाब कुछ इस तरह है, महाबलेश्वर के तफरीही मुकामात मुंदरज ज़ैल हैं। सबसे पहला मुकाम मेलको पहाड़ी, दूसरा मुकाम महाबलेश्वर क्लब, तीसरा मुकाम किला प्रतापगढ़, चौथा मुकाम कैथोलिक चर्च, पांचवा मुकाम मुरारजी गहवारा और छठा पंजांगली। तो इसी तरह तीसरा सवाल कुछ इस तरह से है, कैथोलिक चर्च पर इजहार ख्याल कीजिए। तो यहाँ पर महाबलेश्वर के काबिल दीद मुकामात में से एक कैथोलिक चर्च भी बहुत अहमियत के काबिल है, इसीलिए इस मुनासिबत से यहाँ पर सवाल ये है कि कैथोलिक चर्च पर आप इजहार ख्याल करें। तो जवाब कुछ इस तरह है, कैथोलिक चर्च सर्व तफरी का काबिल कदर हिस्सा है, अगरचे के ये चर्च अब शिकस्ता यानि पुराना हो चुका है, ख़दीम हो चुका है, लेकिन इसके बेदाग आयनादार खिड़कियाँ आज भी पुरकशिश हैं। तो जवाब कुछ इस तरह से है कि कैथोलिक चर्च बहुत ख़दीम होने के बावजूद भी आज भी जो है बहुत ही पुरकशिश मालूम होता है, जवाब में इस तरह बताया जा रहा है। चौथा सवाल, महाबलेश्वर क्लब कब तामीर किया गया, इसके नज्म व नस्ब पर रोशनी डालिए। यानी महाबलेश्वर की ख़याम, महाबलेश्वर का ख़याम कब अमल में लाया और उसके जो इंतज़ाम करने वाले हैं उन पर जो है मुख्तसर रोशनी डालने के लिए सवाल पूछा जा रहा है। तो उस मुनासिबत से जवाब ये रहेगा, महाबलेश्वर क्लब 1881 ईस्वी में तामीर किया गया था, मगर आज भी ये बेहतरीन नज़्म व नस्क की वजह से आबदार मालूम होता है। यानी इसके इंतज़ाम करने वाले, इसकी देखभाल करने वाले बहुत ही अच्छे अंदाज में इसकी देखभाल और इसका इंतज़ाम करने कर रहे हैं, यही वजह है कि आज भी वो बहुत ज़्यादा पुरकशिश यानी अच्छा दिखाई देता है, ये कहा जा रहा है। मजीद ये कि यहाँ सिर्फ इस क्लब के अराकीन ही क़ियाम कर सकते हैं। इस क्लब की खसूसियत यह है कि यहाँ के जो अराकीन होते हैं, जो देखभाल करने वाले हैं, उन्हीं को यहाँ पर क़ियाम करने की इजाज़त है, दूसरों को क़ियाम करने की इजाज़त नहीं है। इसके चमन में खूबसूरत गुलाबों की क्यारियाँ हैं जो सुबह की चहलकदमी का मज़ा देते हैं। यानी यहाँ पर महाबलेश्वर क्लब में जो उसके जो है आतराफ में जो गुलाब की क्यारियाँ हैं यानी बाग बगीचे हैं उसका भी जिक्र किया जा रहा है। वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के फूल उस बाग में मौजूद हैं, इस बात का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। उसी तरह से बच्चों आइए इस सबक के तफसीली जवाबात पर हम रोशनी डालें, जिसमें सबसे पहला सवाल यह है, महाबलेश्वर और इसके आतराफ के तफरीही मुकामात का तफसीली जायज़ा लीजिए। तो जवाब कुछ इस तरह से है, महाबलेश्वर ख़ुद एक पुरफिज़ा और तफरी मुकाम है। यानी आप जैसा पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि महाबलेश्वर बहुत ही पुरफिज़ा और तफरी का मुकाम है, जहाँ पर हम वहाँ जाने से बहुत ही हमको अच्छा महसूस होता है, एकदम फरहत महसूस होती है, कहा जा रहा है।
और ये इसकी ख़ास बात यह है, ये तकरीबन 10 किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये महाबलेश्वर का जो इलाका है, इस तफसीली जवाबात में भी जो है इसका मजीद एक मरतबा यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये महाबलेश्वर तकरीबन 10 किलोमीटर के अहाते पर फैला हुआ है। और फिर ख़ास बात यह है, ये तकरीबन 30 वादियों पर मुश्तमिल पहाड़ी इलाका है। तो जवाब में इस बात का भी जिक्र हो रहा है, मुख्तलिफ जो है 30 जो है वादियाँ के यानी के माने मुख्तलिफ जो है वो पहाड़ियाँ पर मुश्तमिल है, जहाँ से मुख्तलिफ नज़ारे देखे जा सकते हैं, यानी उस पहाड़ पर उन पहाड़ के ऊपर ठहर कर देखने से हमको मुख्तलिफ खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं कहा जा रहा है। इसके रास्ते सायादार हैं, इसके रास्ते सायादार से मुराद जब हम सड़क पर चलते रहते हैं तो हमारे दाएं तरफ और बाएं तरफ जो दरख्त होते हैं और आपस में मिले हुए होते हैं, और हम जिस वक्त सड़क पर चलते हैं तो वो सायादार जो है बन जाते हैं, उसे को सायादार कहते हैं। इसके रास्ते सायादार फरहत बख्श और कोहे पैमाई के लिए मुनासिब हैं। अंग्रेज़ों ने अपने ज़माने में कई एक कोठियाँ मकानात और बंगले इस शहर के अतराफ तामीर कराए थे। इस बात का भी जिक्र हो रहा है यहाँ पर इस जवाब में कि हमारा हिंदुस्तान अभी जिस वक्त आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, तो उस वक्त यहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ों ने बहुत से कोठियाँ और मकानात तामीर कराए थे जो आज भी इस शहर की रौनक बढ़ा रहे हैं। हालांकि काफ़ी अरसा गुजर चुका है, हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ चले गए, इसके बावजूद भी उन्होंने जो बंगले और कोठियाँ तामीर किए थे आज भी बहुत ही पुरकशिश और बहुत खूबसूरत मालूम होते हैं कहा जा रहा है। छुट्टियों में यह मुकाम सयाहों से भर जाता है। यहाँ पर ख़ासकर इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है, ये जो मुकाम है महाबलेश्वर, छुट्टियों के ज़माने में या छुट्टियों के मौके पर यह पूरा का पूरा सयाहों से भर जाता है, इस बात का भी यहाँ पर जिक्र हो रहा है। तो आइए बच्चों, इसके बाद की जो सरगर्मी है खानापुरी की सरगर्मी, इस सबक से मुतालिक, जिसमें सबसे पहला जो सवाल है, वन्ना झील से महाबलेश्वर तकरीबन 150 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। तो जवाब कुछ इस तरह है, वन्ना झील महाबलेश्वर से तकरीबन 1372 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। दूसरा सवाल, गांधी जी ने ड्याश में क़याम किया था। जवाब कुछ इस तरह है, गांधी जी ने 1945 ईस्वी में क़याम किया था। तीसरा सवाल, ड्याश महाबलेश्वर से 24 किलोमीटर दूर वाक़ है। जवाब, खिला प्रतापगढ़ महाबलेश्वर से 24 किलोमीटर दूर वाक़ है। चौथा सवाल, डैश महाबलेश्वर के पुरफिजा सिलसिलावार पहाड़ी मुकामात में एक है। जवाब, पंजांगनी महाबलेश्वर के पुरफिजा सिलसिलावार पहाड़ी मुकामात में से एक है। तो आइए बच्चों, इस सबक के अस्दाद के जो अल्फाज हैं उस पर जो है मुख्तसर रोशनी डाली जाएगी। सबसे पहला जो लफ्ज़ है यहाँ पर, सुबह, उसकी ज़िद होगा शाम। दूसरा, राहत, इसका ज़िद होगा तकलीफ़। तीसरा, इसका ज़िद होगा बर्री, इसका ज़िद होगा बहरी। चौथा लफ्ज़, बुलंदी, उसका उल्टा लफ्ज़ होगा पस्ती। इसके बाद तामीर, उसका ज़िद होगा इन्हेदाम, रौनक, इस लफ्ज़ का ज़िद होगा बेरौनक। इसी तरह बच्चों, इस सबक से जुड़े हुए जो अल्फाज हैं उसके जमा बनाने की सरगर्मी यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो लफ्ज़ है वादी, उसकी जमा होगी वादियाँ। मंज़र, उसका जमा होगा
मनाजिर, रुकन, अराकीन, जायर, जायरीन, कोठी, कोठियाँ, मुखाम, मुखामात, बाग, बागात, रास्ता, रास्ते, सहूलत, सहूलतें। तो आइए बच्चों, इस सबक से मुतालिक जो कवायद हैं उस पर हम एक सरसरी जायज़ा लेंगे। सबसे पहला यहाँ पर जो कवायद से मुतालिक जो लफ्ज़ है, अलामत मफूली। अलामत मफूली वो हरूफ जो अमूमन मफूल के बाद आते हैं, इस बात का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। मैं और एक मरतबा दोहराता चलूँ कि वो अलामत मफूली उसे कहेंगे वो हरूफ जो अमूमन मफूल के बाद आते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर बताया गया है, गाड़ी ने लड़के को टक्कर मारी को अलामत मफूली है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है, देखिए, को जो है यहाँ पर अलामत मफूली कहलाएगा। इसके बाद जो सरगर्मी है अलामत ज़र्फ़ी। तो अलामत ज़र्फ़ी में इसकी मुख्तसर तारीफ ये है, वो हुर्फ जो हालत ज़र्फ़ को ज़ाहिर करते हैं, अलामत ज़र्फ़ी उसे कहेंगे वो हुर्फ जो हालत ज़र्फ़ को ज़ाहिर करते हैं। हालत ज़र्फ़ में मकानियत, फासला और वक्त के इजहार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि पहली मिसाल, जो दिल में है ज़बां पर नहीं। दूसरी मिसाल, आहिस्ता से कहो। तीसरी मिसाल, सर से पांव तक। चौथी मिसाल, बनारस गंगा पर वाक़ है। तो यहाँ पर अलामत ज़र्फ़ी में जिस, से, तक, हर, ऊपर, बीच, तो ये जो है, ये जितने भी जो बताए जा रहे हैं वो हुरूफ़े अलामत ज़र्फ़ी कहलाएगा। जहाँ पर पहली मिसाल में यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, उसको सुर्खी दी गई है, सबसे पहले मिसाल में मैं, दूसरी मिसाल में से, तीसरी मिसाल में तक, चौथी मिसाल में पर। तो उसी तरह यहाँ पर दीगर कवायद में जो आएगा हुर्फ वसल। हुर्फ वसल यानी इसकी मुख्तसर तारीफ ये है हुर्फ वसल की, हुर्फ वसल से मुराद वो हुर्फ हैं जो दो जुमलों को मिलाने के लिए आते हैं। यानी एक मरतबा फिर से सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हुर्फ वसल से मुराद वो हुर्फ हैं जो दो जुमलों को मिलाने के लिए आते हैं। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, और फिर के, बल्कि, नीज, हुर्फ वसल कहलाते हैं। फिर एक मरतबा सुन लीजिए, हुर्फ वसल में जो लफ्ज आएंगे, और फिर के, बल्कि, नीज, हुर्फ वसल कहलाएंगे। इसकी मिसालें यहाँ पर दी गई है, जिसमें पहली मिसाल है अहमद आया भी और गया भी, तो यहाँ पर और हुर्फ वसल में जो है वो आएगा, और का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ। देखिए दूसरी मिसाल में मैं यही कह रहा था कि आप ज़रूर आएं। दूसरी मिसाल में मैं यही कह रहा था कि आप ज़रूर आएं, तो यहाँ पर के का जो इस्तेमाल हुआ है वो हुर्फ़े वसल कहलाएगा। तीसरी मिसाल, तुमसे कितनी बार कहा कि फिर इधर ना आना, तो इसमें तीसरी मिसाल में भी यहाँ पर के का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है ये भी हुर्फ़े वसल कहलाएगा। चौथी मिसाल, ना सिर्फ आएं बल्कि अपने साथ औरों को भी लाएं, तो यहाँ पर बल्कि जो आया है वो हुर्फ़े वसल कहलाएगा। उसके बाद पांचवी जो मिसाल है, बुखार में सर दर्द, बदन दर्द, नीज, थकान होती है, तो यहाँ पर हुर्फ़े वसल का जो
इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर नीज आए देखिए, तो उसको हुर्फे वसल कहलाएंगे। उसके बाद आएगी सरगर्मी हुर्फे अतफ की। तो हुर्फे अतफ की किस्में, पहली किस्म हुर्फे वसल, दूसरी किस्म हुर्फे तरदीद, तीसरी किस्म हुर्फे इल्लत, और चौथी किस्म हुर्फे बयानिया, और पांचवी हुर्फे इस्तेदराक, छठा हुर्फे इस्तेसना, सातवां हुर्फे शर्त व जजा, और आठवां हुर्फे ताकीद। हुर्फे वसल, हुर्फे वसल से मुराद वो हुर्फ हैं जो दो जुमलों के मिलाने के लिए आते हैं। तो यहां पर उसके बाद हुर्फ तरदीद की सरगर्मी यहां पर हम देखेंगे सबक से मुतालिक। हुर्फ तरदीद से मुराद वो हुर्फ जो ऐसे जुमलों के दरमियान आते हैं जिनका मतलब मुख्तलिफ और मुतजाद हो लेकिन जिनका नतीजा एक हो। जिसकी एक मिसाल है यहां पर, ना चाहे ख्वा और या हुरूफ तरदीद कहलाएंगे। एक मरतबा फिर से सुन लीजिए, हुरूफ तरदीद से मुराद वो हुरूफ जो ऐसे जुमलों के दरमियान आते हैं जिनका मतलब मुख्तलिफ और मुतजाद हो लेकिन जिनका नतीजा एक हो। जहाँ पर जिसमें जो इस्तेमाल होते हैं वो जैसा कि चाहे ख्वा और या, ये सब हुर्फे तरदीद कहलाएंगे। जिसकी यहाँ पर चार मिसालें जो है दी गई हैं, जिसमें सबसे पहली मिसाल है ना तुम आए ना तुम्हारी कोई खैर व खबर। दूसरी मिसाल है चाहे तो यकीन करो चाहे ना करो लेकिन वाकया सच्चा है। तीसरी मिसाल ख्वाह अमीर हो ख्वाह गरीब, सबको मौत का मजा चखना है। चौथी मिसाल खाओ या ना खाओ आपको बिल अदा करना पड़ेगा। तो यहां पर पहली मिसाल में जो इस्तेमाल हुए हैं हुर्फ तरदीद वो ना, ना का इस्तेमाल हुआ देखिए यहां पर। दूसरी मिसाल में, दूसरी मिसाल में भी यहां पर ना का इस्तेमाल हुआ। तीसरी मिसाल में भी ख्वा, ख्वा का इस्तेमाल हुआ देखिए, तो इसे भी हुर्फ तरदीद कहेंगे। चौथी मिसाल में भी यहां पे देखिए खाओ या ना खाओ, ये भी हुर्फ तरदीद का यहां पर इस्तेमाल हुआ है। तो बच्चों ये था महाबलेश्वर सबक का दूसरा हिस्सा। उम्मीद करता हूं कि आपको सबक बहुत अच्छा लगा होगा और तमाम बातें जो सबक महाबलेश्वर से जुड़े हुए थी बहुत अच्छे अंदाज में आपने जो है सुना होगा। उम्मीद करता हूं कि आप बखैर होंगे। फिर और एक सबक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।